गुड आफ्टरनून मित्रों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, खास तौर से उन प्रतियोगी भाई बहनों के लिए जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ मित्रों, टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी जो है अभी कुछ दिन पहले ही जारी कर दी गई है। इसमें थोड़ी दुखद समाचार यही मिल रही है कि जितना हम एक्सपेक्टेशन किए थे कि जो नंबर ऑफ सीट्स आएंगी, जो वैकेंट सीट्स रहेंगी, जो वैकेंसीज रहेंगी, उससे काफ़ी कम दिया गया है। हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रखे थे कि टीजीटी पीजीटी में लगभग 20,000 से अधिक वैकेंसीज रहेगी, लगभग 27,000 तक हम एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन देखने को मिल रहा है कि 4,163 वैकेंसीज ही दोनों टीजीटी पीजीटी को मिला करके ये इतनी ही वैकेंसी आई हुई है। टीजीटी में 3,539 सीटें हैं और पीजीटी में मात्र 624 सीटें। ज्योग्राफी को अगर हम लोग देखें तो कुछ मित्रों से हमें पता चला है, कुछ लड़कों से पता चला है कि इसमें कुल जो वैकेंसीज है वो 51 के आसपास है। लगभग 9 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए है, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत अधिक कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, सीटें कम हैं, तो आप अभी से लग जाइए। हालांकि अनिल सिंह जो है वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यानी 4,163 इसको बढ़ाया जाए। इसके लिए 20 जून को वो आंदोलन भी करने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं लखनऊ में। इलाहाबाद के धरने में काफ़ी कम बच्चे उपस्थित हुए, इसलिए अब वो 20 जून को लखनऊ मूव कर रहे हैं। तो खैर वो अलग की बात है। अभी तक जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से उनकी मुलाकात हुई तो उसमें स्पष्ट रूप से इन नंबर ऑफ वैकेंसी को बढ़ाने में वो जो है तो मना कर दिए, यही कि कुल सीटें जो है इतनी अभी है। तो आपको सीटों के अनुसार जो है, अगर सीटों को देखते हुए हम यही कहेंगे कि आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत टफ होने वाली है। कैसे क्या करना है, भूगोल से संबंधित पीजीटी भूगोल में क्या करना है, इसमें हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और ये आशा करते हैं कि आप पूरी तन्मयता तल्लीनता के साथ पीछे क्या हुआ है उसको भुलाते हुए आप एक नए सिरे से फिर से लग जाए। तो इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।